कुंडलपुर महामहोत्सव का परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में लगातार क्रम चल रहा है। जहां पंचकल्याणक महामहोत्सव का समापन हुआ तो पूज्य देवाधिदेव आदिनाथ बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक अब शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े जैन मंदिर में विराजमान देवाधिदेव आदिनाथ भगवान बड़े बाबा का अभिषेक करने के लिए प्रतिदिन ही हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़ रहे हैं और पूज्य बड़े बाबा के मस्तक पर जल की धारा प्रवाहित करने के लिए लालायित हो रहे हैं। कुंडलपुर में हजारों लोगों की मौजूदगी में यह आयोजन लगातार जारी है और पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक करने के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। यह क्रम लगातार आगामी दिनों तक जारी रहेगा और हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा। जय कुमार पुरा की रिपोर्ट। प्रतिमा कार्यकर्ताओं से, स्वयं सेवकों से अनुरोध है कि व्यवस्थाएं बनाएं। बाबा जी का अभिषेक करके जल्दी से बाहर पहुंचते हैं। एक बार ही कलश करें। अगर आप दोनों तरफ से कलश करेंगे तो कम से आधे से ज्यादा भक्त कलश करने से वंचित रह जाएंगे। समय को ध्यान में रखें। पूज्य बड़े बाबा जी के अभिषेक का समय लगभग पूरा होने को है और भक्तों की इसके लिए आपको हमारा सहयोग करना होगा। शीघ्रता से प्रभु के शीर्ष पर एक कलश ढोरा के नीचे आएं और एक ही तरफ से कलश करके बाहर पहुंचते जाएं। निवेदन को स्वीकार करें। ऐसा देखने में आ रहा है कि आप दोनों तरफ से कलश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आप एक ही मेरे कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो है सभी को जय जय। आज हमारा बड़ा सौभाग्य था कि प्रथम अभिषेक करने का मौका मिला और आज हम बड़े धन्य हो गए छोटे बाबा और बड़े बाबा के साथ में। ऐसा अभिषेक इतना सुंदर, ऐसा जीव धक धक हो गया अंदर से कि हम अपनी भावना प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। क्या तो मेरे तो आंखें ऐसी तृप्त हो गई, हजारों लाख आंखें बन गई। मैं कितना बड़े बाबा को देखूं, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर लगा। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप सभी अभिषेक करें। अभी पूरा चार एक महीना चलेगा। यहाँ कुंडलपुर आए और अभिषेक अपने हाथों से करें। सभी को जय जय।